क्या हुआ? अरे मेरा नया रेडमी फोन, पता नहीं कब ये लॉकडाउन उठेगा और मैं उससे ऑर्डर कर पाऊंगी। अरे तू उसे अपने नियरेस्ट मी स्टोर से लो ना। मी स्टोर से? लेकिन अभी स्टोर पे जाना सेफ है? अरे बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मी स्टोर खुद तुम्हारे पास आएगा। जस्ट लॉग ऑन टू local.me.com। कोई भी रेडमी या मी प्रोडक्ट अपने नियरेस्ट मी स्टोर से बुक करो और सेम डे सेफ, हाइजीनिक और कॉन्टेक्ट लेस डिलीवरी पाओ। इट्स दैट सिंपल विद मी कॉमर्स। टैप द बैनर टू नो मोर। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और हाजिर हूं एक बार फिर आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज लेकर। इस स्पेशल पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी वो सारी खबरों पर जिसे आपका जानना जरूरी है, चाहे वे कोई मेडिकल रिसर्च हो, वैक्सीनेशन कवरेज के अपडेट्स हो, कोरोना से जुड़ी दिक्कतें या आशंकाएं हो, केसेस के घटते बढ़ते मामले का एनालिसिस हो। कुल मिलाकर कोरोना से जुड़ी हर खबर को कवर करते हैं हम, ताकि आप रहें हमेशा अप टू डेट। भारत में दूसरी लहर को लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पीक गुजर गया है, क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 8 मई के बाद 4 लाख को केसेस पार नहीं गए। इस बीच ये चर्चा भी जोरों पर है कि अब तीसरी लहर भी आएगी, खतरनाक भी हो सकती है और नहीं भी, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और इन सब के साथ नए वेरिएंट्स का भी खतरा मंडरा रहा है, और सबसे बड़ा चैलेंज तो इंडियन वेरिएंट है, जो सिर्फ भारत में नहीं कई देशों में हालात खराब कर रहा है। अब यूके का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, यूके में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। वहाँ लगातार नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ये बढ़ोतरी B.1.617.2 वेरिएंट यानी इंडियन स्ट्रेन की वजह से हो रहा है। जानकारों का मानना है कि नया वेरिएंट यूके में तीसरी लहर का खतरा पैदा कर सकता है। एक डराने वाली बात ये भी है कि अच्छे वैक्सीनेशन कवरेज के बाद भी ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि जहां यूके में वैक्सीनेशन इतने बड़े लेवल पर किया जा रहा है, वहां भी इंडियन स्ट्रेन ने चीज़ें इधर उधर कर दी हैं। तो फिर भारत में जहां हम रोज़ ये सुनते हैं कि वैक्सीनेशन की किल्लत है, वहां कैसे निपटेंगे म्यूटेशन से और साथ ही साथ तीसरी लहर से? जो गलतियां वैक्सीनेट करने में हमने की इन 5 महीनों में, उससे हम क्या सीख सकते हैं? ऐसे और सवाल हैं जिसके जवाब आज के कोरोना कवरेज में आपको मिलेंगे। मैंने यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर अविरल वत से बात की। डॉक्टर, थर्ड वेव हर तरफ चर्चाएं हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये उतनी लीथल नहीं होगी, उतनी खतरनाक नहीं होगी, और कई एक्सपर्ट्स की राय है इसके उलट है। आप कैसे देखते हैं इस थर्ड वेव को विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि ये लीदल भी हो सकती है, और दोनों सत्य हैं कि लीदल भी हो सकती है, घातक भी हो सकती है, और ये जिसको हम कहें कि ठीक ठाक भी रह सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने वैक्सीनेशन कितनी की है। जहाँ जहाँ थर्ड वेव या जहाँ भी नेक्स्ट वेव आने से पहले पहले वैक्सीनेशन हो गई है, वहाँ पे जो वेव आती है तो वो माइल्ड फॉर्म में रहती है, और जो बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटल के एडमिशन्स हैं और जो डेथ्स हैं, उस पर काफ़ी काबू पा लिया जाता है। और जैसे यूके की मैं बात करूं, जो करंट यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, जिसको हम सो कॉल्ड थर्ड वेव कह सकते हैं, उसमें जो इंडिया में पाया जाने वाला, सबसे पहले जो इंडिया में पाया गया था वेरिएंट, वही 75% पाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो केसेस हैं, एक तो वो यंगस्टर्स में ज़्यादा देखे जा रहे हैं, और उनमें नेचुरली सीवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ नहीं होती है और डेथ्स कम होती हैं, और वो इसलिए भी हैं क्योंकि जो एल्डरली हैं और जिस प्रायोरिटाइजेशन के साथ जो वैक्सीनेशन हुई है, वो ज़्यादा उम्र वालों में हो गई है, 40+ 50+ में। 50 से ऊपर तो बहुत लोगों में दो दो डोजेज़ भी लग चुकी हैं, तो 75% एडल्ट पॉपुलेशन को सिंगल डोज भी लग चुकी है। तो इसके चलते वेव जो है वो उसको भी थोड़ा अंडर कंट्रोल ही देखा जा रहा है, कि केसेस तो हो रहे हैं लेकिन सिवियरिटी उतनी नहीं है, डेथ्स उतनी नहीं है, और उसका बड़ा जो जो कारण है वो वैक्सीनेशन को माना जा रहा है। अब इंडिया के हिसाब से बोलें तो जो थर्ड वेव इंडिया में होगी, अगेन इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने सेकेंड वेव को डील करने में किस हथियार का इस्तेमाल किया। अगर हमने लॉकडाउन्स का ही या रिस्ट्रिक्शंस का ही इस्तेमाल किया, या सिर्फ वायरस को अपना कोर्स पूरा करने का, जो इतने भी 2-3 महीने लगते हैं और उसके बाद वो डाई डाउन थोड़ी करेगी, वही हमने इस्तेमाल किया, तो देखिए थर्ड वेव या अगली कोई भी वेव डेफिनेटली आएगी, और काफ़ी बड़ी मात्रा में मतलब घातक भी हो सकती है जो अगली वेव आएगी। हाँ, अगर हमने इसी बीच वैक्सीनेशन कर दी,
तब हम काफ़ी जो अगली वेव होगी उस पर उसको उसकी जो शक्ल होगी उसको हम काफ़ी हद तक बदल पाएंगे सेकेंड वेव के हिसाब से इंडिया में। जी डॉक्टर, तो थर्ड वेव से डील करने में भारत के पास कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो आप ओवरऑल देखते हैं? देखिए, थर्ड वेव को डील करने के लिए इंडिया में मोटी मोटी जो चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी अगर हम जो अभी स्थिति है उसी को देखकर चलें कि फटीग जो है, हेल्थ केयर सिस्टम का फटीग, लोगों में फटीग, वो बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है और अभी जो ब्लैक फंगस जैसी चीज़ें हो रही हैं उसके चलते तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है स्ट्रेस हेल्थ केयर सिस्टम्स पर, लोगों के ऊपर इकोनॉमी का बुरा हाल है, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर हमने थर्ड वेव ऐसे ही आने दी। उसके आगे की जो बड़ी चुनौती है थर्ड वेव को एक्चुअली कंट्रोल करने की, वो है वैक्सीनेशन की। इंडिया में वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है बहुत स्लो है और ये बात हम पिछले जनवरी से कर रहे हैं जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है कि इंडिया में ड्राइव जो है बहुत ही स्लो है। और आप ये देखिए कि जनवरी से बात करते करते अब मई भी ख़त्म हो रहा है तो 5 महीने निकल गए हैं और 5 महीने का गोल्डन पीरियड था जिसमें हम बहुत जानों को बचा सकते थे वैक्सीनेशन के थ्रू। अब एक तो वैक्सीन देने का जो सिस्टम है उसका तो अभी पूरी तरह से टेस्ट नहीं हो पाया है क्योंकि जो वैक्सीन की जो डोसेज है, डोजेज हैं, वही हमारे पास पूरी मात्रा में नहीं अवेलेबल है। तो पहले तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वैक्सीन आएगी कहाँ से और कितनी कहाँ से आएगी। दूसरा एक और जो साथ में बड़ा चैलेंज होगा वैक्सीनेशन का ही साथ चलते चलते कि हम कौन सी वैक्सीन कितनी देर में दे सकते हैं, कौन सी वैक्सीन कहाँ से लाएंगे, उसको मिक्स एंड मैच करेंगे कि नहीं, इन सब के ऊपर भी कुछ ज़्यादा स्टडीज़ नहीं हो रही हैं। और एक जो परेशानी हमें देखने को मिलेगी, चुनौती होगी, वो ये कि हमने प्रायोरिटाइजेशन नहीं की है वैक्सीनेशन की। जो पहले हम कर रहे थे, हमने अब 18 से 40 के बीच में या 45 के बीच में जो पूरी खोल दी है, उसके कारण जो कन्फ्यूजन, जो मिस बढ़ेगा और बढ़ ही रहा है जैसा हमने देख ही रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि अगर हम प्रायोरिटाइजेशन के साथ करते तो हम वल्नरेबल पॉपुलेशन को सेव करते जाते और जो लेस वल्नरेबल है उसको हम आगे आगे बचा सकते थे। तो ये 2-3 मेन चुनौतियां हैं जिससे कि भारत को जूझना पड़ सकता है। और सबसे सबसे ज़रूरी ये है कि हम गाँव में ये सब चीज़ें कैसे पहुंचाएंगे, कैसे उनको वैक्सीनेट करेंगे। ये जो है सिस्टम, जो वैसे मैंने पहले कहा वैक्सीनेशन देने का सिस्टम जो है वो बहुत बड़ी चुनौती, अभी उसको हमने टेस्ट भी नहीं किया है पूरी तरह से, वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। अच्छा डॉक्टर, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने पाया कि वैसे तो पिछली महामारियों में 3 वेव देखी गई हैं लेकिन इस महामारी में 4th-5th वेव भी आ सकती है भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो। क्या ये पॉसिबल है, और है तो कैसे होता है और किन वजहों से होता है ये? जी बिल्कुल, जो पिछली महामारियाँ थी उनमें 3 वेव देखी गई, कई जगह तो ऑलरेडी अभी 3-4 वेव्स इस महामारी में कई कई जगह पर आ चुकी हैं। और उसका जो वेव्स का नंबर जो है वो इतना क्लियर नहीं होगा, कि वो डिपेंड करता है कि वायरस ने किस तरीके से म्यूटेट किया। अक्सर वायरसेस म्यूटेट करते करते कुछ इस तरह म्यूटेट कर जाती हैं कि वो ट्रांसमिसिबल रह जाती हैं लेकिन डेडली नहीं रहती। लेकिन अभी जो कोरोना का हम देख रहे हैं, जो नया वेरिएंट लास्ट वाला जो इंडिया में है और भी होंगे वेरिएंट जो हमने अभी डिटेक्ट नहीं किए हैं, तो वो घातक भी है और ट्रांसमिसिबल भी है। तो यही मेन कारण है कि आगे आगे वेव्स आ सकती हैं। और पॉसिबिलिटी, जैसा मैंने पहले कहा, वेव्स आने की सबसे बड़ी यही है कि वैक्सीनेशन का क्या सीन है। इन्फेक्शन होने के बाद भी प्रोटेक्शन बनती है हमारी, लेकिन उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है और उसकी जो क्वालिटी है, ड्यूरेशन और क्वालिटी दोनों बहुत अनप्रडिक्टेबल हैं और कितने महीने किस लेवल की रहती है इसका कहना मुश्किल है। तो लेकिन जो वैक्सीनेशन के बाद की जो इम्यूनिटी होगी वो हमें बचा कर रखेगी। तो जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन नहीं होती है, और वो मैं कह रहा हूँ कम से कम 40-50-60% लोगों को एटलीस्ट सिंगल डोज और फिर पीछे पीछे डबल डोजेज भी लोगों को होते रहने चाहिए, जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे वेव्स का आना मतलब संभव ही नहीं। मैं तो कहूँगा कि वी शुड एक्सपेक्ट इट टू हैपन, ऑफकोर्स अनलेस कुछ यू नो चमत्कार ही हो जाए कि ऐसा ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन आए जो बिल्कुल भी घातक ना हो और सिर्फ ट्रांसमिसिबल हो,
तो उस केस में हम बच सकते हैं कि चलो ट्रांसमिसिबल है, वायरल माइल्ड वायरल इलनेस होती है और हम उसमें ज़्यादा लपेटे में नहीं आ रहे हैं। दैट इज़ वन मिरेकुलस चांस के जो हो सकता है। अदरवाइज़ अगली वेव आने का जो एक्सपेक्टेशन है मेरी, तो वो रहेगी जब तक हम वैक्सीनेशन नहीं करते। वैक्सीनेशन के बाद भी चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन तो बेयर मिनिमम रहेगा। अभी जो इंडियन स्ट्रेन है वो एक बहुत बड़ी चिंता बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए, खासकर अभी यूके में चीज़ें इसकी वजह से बिगड़ भी रही है। आपकी बड़ी चिंता क्या है इस नए स्ट्रेन को लेकर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया और भी कई देशों के लिए? जी, जैसे हम बात कर ही रहे हैं, जो इंडिया में जो जिसको हम इंडियन स्ट्रेन कहते हैं, B1.617.2 है शायद उसका नाम, ठीक से अगर याद रहे मुझे तो ये स्ट्रेन की बिल्कुल यूके में जो जितने केसेस हो रहे हैं, अब पीछे जो मेजर जंप आया 3000 केसेस का दिन में आया, जो कि काफ़ी बड़ा था अगर पिछले कई हफ्तों को मिला के चलें, तो उसमें जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 75% जो जंप है केसेस का, वो यही जो इंडियन स्ट्रेन हम कह रहे हैं उसी के कारण है। तो फैल तो रहा है, लेकिन फिर भी ये पॉकेट्स में है। टोटल नंबर ऑफ़ केसेस अगर पूरे देश में 3000 के करीब हैं, वो सिर्फ चार या पांच जगहों पर सबसे ज़्यादा है, और बाकी जगह छुटपुट फैल रहा है। और ये तब है जब जो लॉकडाउन हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में उठा दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। तो एक एंग्जाइटी तो बनी हुई है, लेकिन साथ में ये भी देखा जा रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशंस हो तो रही हैं, लेकिन उस मात्रा में नहीं हो रही हैं जो सेकेंड वेव में थी, और डेथ्स भी उस मात्रा में नहीं है जो सेकेंड वेव्स में थी। और उसका मेन कारण ये भी है, जैसे मैंने पहले कहा कि यंगर पॉपुलेशन को, यंग्स एकदम बच्चों को नहीं, लेकिन यंगर पॉपुलेशन को ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो बड़े हैं उनको वैक्सीनेशन से पहले ही प्रोटेक्ट कर लिया गया है, और वो उनमें तो हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल ही कम है, और डेथ्स तो फॉर्चुनेटली बहुत कम है। सो यूके का, जैसे मैंने कहा कि हम यहाँ एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि केसेस बढ़ेंगे, लेकिन ये भी साथ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स जो हैं उस पर कंट्रोल किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इट विल बी ए ह्यूज अचीवमेंट, क्योंकि ना तो हेल्थ केयर सिस्टम पे इसका फिर दबाव पड़ेगा, और इंडिविजुअल्स पे भी एक 5-7-10 दिन की बीमारी होके हम अगर रिकवर कर रहे हैं तो दैट विल बी फैंटास्टिक न्यूज़। विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, जो थर्ड अपना जो स्ट्रेन है, और बाकी देशों के लिए देखिए, उसके दो, इंडिया के लिए तो दो बड़ी चिंताएं हैं। एक तो ये कि स्ट्रेन को रोका कैसे जाए, जैसे मैंने कहा कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं होती वो एक तरीका है, दूसरा है कि लॉकडाउन्स, वो भी हम नहीं कर रहे हैं, और तीसरा तरीका जो हम एक्चुअली कर रहे हैं वो है कि वी आर लेटिंग द वायरस रन इट्स कोर्स थ्रू द कम्युनिटी, और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो अनप्रडिक्टेबल है, बहुत मतलब सोच के भी डर लगता है। और हम देख ही रहे हैं, जो नतीजे हम सामने देख रहे हैं वो बहुत ही मतलब व्याकुल तो क्या, बहुत ही डराने वाले हैं, भयावह हैं। तो दूसरे और जो एडिशनल है वो ये कि जो नए स्ट्रेन हैं वो भी बनेंगे, जितनी ट्रांसमिसिबिलिटी बनी रहेगी, जितनी वायरस एक देह से दूसरी देह में जाएगी, उतना ही नए वेरिएंट्स के आने का जो चांस है वो बढ़ता जाता है। ये सबसे बड़ी फिक्र और बिल्कुल है इंडिया के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी, ऐसा कि ऐसा कोई स्ट्रेन ना आ जाए जो फैले भी और घातक भी हो और वैक्सीन को भी से भी बच सके। अभी तक ऐसा कोई स्ट्रेन है नहीं कि जो वैक्सीन से पूरी तरह बच सके, लेकिन पॉसिबिलिटी उस चीज़ की कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी हमेशा है। तो ये फिक्रें सभी को रहनी चाहिए। इन सब के बीच बूस्ट डोज की बात हो रही है, यूके में ट्रायल भी हो रहा है कि तीसरी डोज कितनी कारगर होगी। आपके हिसाब से ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा अभी के सिचुएशन के हिसाब से? जी, बूस्टर डोज की जो स्टडीज़ चल रही हैं और यूके में ट्रायल भी हो रहा है, उसका मेन टारगेट यही है कि जैसे अगली सर्दी आएगी तब फिर से इसके केसेस और बढ़ने का अंदेशा रहेगा, फ्लू के साथ रिस्क रहेगा कि ये बढ़े, तो उससे पहले और नए स्ट्रेन भी आ रहे हैं, तो उन सब के अगेंस्ट एक बूस्टर डोज देने की जो स्टडीज़ हैं वो चल रही हैं। उसमें मैं इसको अब गेम चेंजर तो नहीं कहूँगा, गेम चेंजर तो देखिए वैक्सीन्स थी, दे हैव चेंज द गेम। हाँ, अगर नहीं लगाए होंगे तब तक तो मालूम नहीं चलेगा, लेकिन जहाँ जहाँ लगी है दैट हैज़ चेंज द गेम, और अब उसको हम कंसोलिडेट करेंगे बूस्टर के साथ। और जैसे तक एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी
जो लोगों में दी जाएगी वो बूस्टर के साथ आ सकती है, ताकि हम और एक तो हम जो क्वालिटी होगी इम्यूनिटी की उसको बढ़ा सकते हैं और उसको डाइवर्सिफाई भी शायद कर सकेंगे जो नए स्ट्रेन हैं उनके अगेंस्ट। तो उस हिसाब से मुझे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडीज़ लग रही हैं बूस्टर वाली। अभी गांव वाले इलाकों में इस बार इन्फेक्शन बढ़ा है, जिसे आपने जिक्र भी किया था मेरे पहले क्वेश्चन में। जिस तरह से भारत में वैक्सीनेशन का रेट है, उस बीच आने वाले दिनों में गांव वाले इलाके जो है वो कितना बड़ा चैलेंज बनेंगे हमारे लिए? जी, जो वायरस अब गांव में पहुंच गई है, देहाती इलाकों में जो इस तरह से पहुँच गई है, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और वैक्सीनेशन हम मतलब लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी डोजेज़ नहीं है, ऐसा सिस्टम तैयार नहीं है जो गांव-गांव जाके इस वैक्सीन को, क्योंकि इंजेक्टेबल वैक्सीन है, पोलियो जैसे ड्रॉप्स नहीं है, तो वो भी चैलेंज रहेगा। और ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि गांव में इतनी बड़ी मात्रा में ये वायरस मतलब घुस चुकी है और घूम रही है, और लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है इस वैक्सीन से बचने के बारे में, इस वैक्सीन से खुद को कैसे इलाज किया जाए उसके बारे में। तो और फिर उसके बाद वैक्सीन की बातें, तो मैं सुन रहा हूँ कि वैक्सीन के अगेंस्ट बहुत र्यूमर्स फैल रही हैं गांव में, रूरल एरिया में, शहरों में भी बहुत तरह तरह की बातें हो रही हैं। वो शायद किसी और दिन हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो सबका असर रहेगा और वो बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा इंडिया के लिए जब हम वैक्सीनेशन करेंगे एक्चुअली में, क्योंकि अदरवाइज़ इंडिया में वैक्सीनेशन की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी रहती है ट्रेडिशनली स्पीकिंग। लेकिन अब क्योंकि अफवाहें बहुत हो रही हैं और अलग अलग हम देख भी रहे हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोग भी वैक्सीन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो उसके चलते बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और वो बहुत बड़ा चैलेंज आगे आने वाले दिनों में होने वाला है इंडिया के लिए कि रूरल पॉपुलेशन को कैसे कन्विंस करवाया जाए कि वैक्सीन ले ली जाए जब हमारे पास डोजेज अवेलेबल होंगी। तो जो वैक्सीनेशन प्लान पर सवाल उठ रहे हैं, कमी है, सेंटर और स्टेट्स के बीच तनातनी है वैक्सीन को लेकर, शुरू में जिसे मेगा ड्राइव करके शुरू किया गया वो कहाँ कहाँ फेल हुआ और इसे ट्रैक पर लाने के अब उपाय क्या हैं? जी, मेगा ड्राइव जो आप कह रहे हैं वो उसका सबसे बड़ा फेल होने का कारण ये था कि हमने कुछ भी ढंग से प्लानिंग पिछले मई जून जुलाई में नहीं की। अगर हमने तब मतलब सेंट्रलाइज्ड लेवल पर प्लानिंग की होती और उस प्लान पे हम एक्ट कर रहे होते तो ये सब नहीं होना था, क्योंकि वो प्लान पे एक्ट हो रहा होता तब एक दूसरे की गलतियां नहीं निकाल रहे होते और हमारी सारे रिसोर्सेज, हमारी एनर्जी जो है वैक्सीनेशन ड्राइव में लग रही होती। तो अब हुआ ये कि प्लानिंग शुरू में कुछ नहीं हुई, दिसंबर में हम अपनी पहली जो ऑर्डर है वैक्सीन का वो देते हैं और वो भी महज आई थिंक 11 मिलियन के करीब का दिया है या ज़्यादा होगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन बहुत ही छूट कम डोजेज का दिया था। और उसके बाद हमने वैक्सीनेशन को लेने के लिए, डोजेस को ख़रीदने के लिए कोई बहुत ज़्यादा सीरियस वाली एफ़र्ट्स हमने करते नहीं देखा, वो बहुत बड़ा फेलियर है। और सबसे बड़ा फेलियर ये भी, और साथ में सबसे बड़ा तो मालूम नहीं लेकिन ये भी फेलियर है कि हमने जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के साथ एक वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी और वैक्सीनेशन ड्राइव की जो 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 मिशन था उसको हमने मतलब ध्वस्त ही कर दिया, कि बोल दिया कि स्टेट्स अपना इंतज़ाम खुद करेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि फाइज़र और मॉडर्ना जैसी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि हम स्टेट्स के साथ डील नहीं करेंगे। तो इससे जो गोल्डन टाइम है वो वेस्ट हो रहा है और जो एक 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 सधी हुई वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी जो होती है वो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। और ऐसे समय में जब हमें सभी को सॉलिडैरिटी के साथ, जैसा बोला जाता है कि पैंडेमिक का सबसे बढ़िया है तीन चीज़ें हैं, साइंस, सॉल्यूशंस और सॉलिडैरिटी, इन तीनों चीज़ों के साथ हम पैंडेमिक से लड़ सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडियन जो स्ट्रेटजी है उसमें साइंस पे भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं। सॉलिडैरिटी का तो हम आपने बात की है, सेंटर और स्टेट के बीच में और इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में सॉलिडैरिटी की कितनी कमी है, और इसी के चलते जो सॉल्यूशंस हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो मेन मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण हम डिरेल हुए हैं, अभी भी हुए हैं, और इसको वापस ट्रैक पे लाने का एकमात्र उपाय यही है कि सेंटर को फिर से चाहिए कि एक सेंट्रलाइज्ड प्रायोरिटी बेस्ड वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी बनाई जाए,
स्टेट्स को उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें उनकी मदद ली जाए और उनको बताया जाए कैसे करना है, और साथ में इंटरनेशनल मार्केट से डिफरेंट वैक्सीन जो हैं उनकी डोजेस को अवेल किया जाए जल्दी से जल्दी। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो क्रिटिकल हैं इसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए और लोगों का जो जो ट्रस्ट है उसको दोबारा से जीतने के लिए और लाखों करोड़ों जानों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। यही चीज़ें हैं जो जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। अभी जो टारगेट बनाया गया है कि दिसंबर एंड तक इस साल लगभग सभी लोग को वैक्सीन लगा दिया जाएगा, हम भी जोर दे रहे हैं वैक्सीनेट 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 पर, आप क्या सोचते हैं जिस तरह से रेट है वैक्सीनेशन का, क्या ये टारगेट पूरा हो पाएगा? देखिए जो आज हाँ जो अभी टारगेट अनाउंस कर दिया कि दिसंबर एंड तक हम सभी लोगों को लगभग सभी लोगों को वैक्सीन लगा देंगे, अब उसमें ये नहीं मालूम कि सिंगल डोज लगाएंगे या डबल डोज लगाएंगे। इवन सिंगल डोज के लिए आपको सभी का मतलब है, ये वैक्सीन तो देखिए जब तक वो दिसंबर आएगा तब तक बच्चों के लिए भी अवेलेबल हो जानी चाहिए, तो हम 1.3 बिलियन डोजेज़ की बात कर रहे हैं। अब वो डोजेज़ कहाँ से आएंगे? अब इंटेंट आपकी अच्छी है, स्लोगन आपने अच्छा दिया है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट अच्छी है, लेकिन उसको बैकअप कैसे कर रहे हैं तथ्यों के साथ? तो वैक्सीनेशन की डोजेज़ का क्या प्लान है, क्या कंपनीज हमें दे रही हैं और कब तक आएंगी, कितनी आएंगी, इन सब बातों पे ही डिपेंड करता है कि वो टारगेट हो पाएगा कि नहीं। मतलब अगर मोटा मोटा भी सोचें, अगर 50 लाख के करीब आप वैक्सीन आई थिंक डेली की देंगे तो महीने की तकरीबन 15 करोड़ होती हैं, और आप लगा लीजिए कि तब भी मतलब 1 बिलियन के लिए ही हमें 6-7 महीने लग जाएंगे और वो भी सिंगल डोज। तो ये मोटा मोटा अगर हम कैलकुलेशन भी करें तब भी हमें नहीं दिख रहा दूर दूर तक कि इस रेट पे और इस अवेलेबिलिटी पे या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन पे हम उस टारगेट को किसी भी हालत में पूरा कर पाएंगे, अनलेस जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत ही ड्रामेटिक चेंज ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन दिखे तब हम कह सकेंगे। लेकिन अभी तक जो चल रहा है, जैसे मैंने पहले कहा कि हम पिछले 1-2 महीने से यही बात कर रहे हैं, जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहा तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सरकार को वैक्सीन मेकर्स को थर्ड वेव के लिए तैयार रखने के लिए क्या करने की ज़रूरत है डॉक्टर जी? देखिए मैं समझ सकता हूँ कि सभी का अब जो टारगेट है वो है कि थर्ड वेव को कैसे डील किया जाए। बहुत बढ़िया बात है, हम आगे की सोच रहे हैं, लेकिन थर्ड वेव का पूरा डिपेंड करता है कि सेकेंड वेव में हमने क्या किया। वैक्सीन मेकर्स को थर्ड वेव के लिए तैयार करने के लिए, थर्ड वेव हो ना हो लेकिन सेकंड से एग्जिट करने के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, मैसिव सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लाइसेंसिंग है, पेटेंट्स हैं, उसको डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनसे, जैसे होता है कि बैग बोरो स्टील कीजिए और वैक्सीन लेके आइए, उनको इनवाइट कीजिए कि यहाँ पर प्रोड्यूस करें बड़ी मात्रा में, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो थर्ड वेव, जैसे मैंने कहा कि थर्ड वेव को मद्देनज़र थोड़ा रख सकते हैं, लेकिन हम अभी सेकेंड वेव से कैसे उभरें, क्योंकि सेकेंड वेव अभी रूरल एरियाज़ तक पहुंची हुई है, तो उसी का उसी को अगर हम बहुत बढ़िया ढंग से हैंडल कर लें अभी भी, देखिए फ्रॉम नाउ ऑन, इट्स ऑलवेज फ्रॉम नाउ ऑन, तो इवन देन हम एक बड़ा स्टेप ले लेंगे थर्ड वेव को डील करने में, और लोगों को भी उसमें ट्रस्ट बढ़ेगा, हमें भी एक साइंटिफिक समझ के साथ आगे चलने का एक नया अनुभव रहेगा, और हम देखेंगे कि हम लोगों को, उनकी जानों को भी बचा सकते हैं और एक तरह का कॉन्फिडेंस दे सकते हैं जब हम इकोनॉमीज को पूरा खोलेंगे कि आगे आने वाले 6 महीने में हम लार्जली सेफ रह सकते हैं अगर हमने वैक्सीनेट कर दिया। और ये जो फीलिंग है ये यूके में, US में, इज़राइल में देखी जा रही है आफ्टर वैक्सीनेशन। देखिए मतलब आने वाली थर्ड वेव्स या जो भी आने वाली वेव्स इन कंट्रीज़ में कैसी भी रहे, लेकिन एक बार वो जो कॉन्फिडेंस है और वो जेन्युइन कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल एस्टेब्लिश होता दिख रहा है, और उसी को अगर मेंटेन किया जाए तो जो एंग्जाइटी बनी हुई है हमारी कोरोना को लेकर वो भी धीरे धीरे कम होगी अगर हम वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, वैक्सीनेशन ड्राइव, ये सब को, और जो वैक्सीन मेकर्स हैं उनको साथ लेकर हैवी इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ चलें, तो इस दिस इज़ द ओनली वे कि हम सब लोग इसमें से एज यू नो सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस इसमें से निकल सकते हैं सेकेंड वेव में से और थर्ड को बचा सकते हैं। तो ये थी डॉक्टर अविरल वत्स, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले गुरुवार, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप हाथ धोते रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय बाय।
आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में तीन आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन, तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।